गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस करेंगे। ये बेसिकली जो जेनेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है और ये मास्टर कैडेट के सिलेबस में भी पूरा क्लियरली मेंशन है और ये सभी बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे वीडियोस नॉट स्पेशली फॉर मास्टर कैडेट, एक बात ध्यान में रखिएगा। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो नीट हो, नेट हो, CSI, सारे सभी के लिए भी काम आएगा। सो चलिए बात करते हैं डोमिनेंस की। डोमिनेंस का मीनिंग होता है जो जीन अपीयर होता है ज़्यादा जनरेशन में, वन फैक्टर इन ए पेयर में एक्सप्रेस इट सेल्फ, डैट इज़ अ पेयर एज ऑब्जर्वेबल ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म। जो एक ट्रेट ऑर्गेनिज्म में आ जाता है, अपीयर होता है, उसको डोमिनेंस कहते हैं, और जो करैक्टर पेयर होता है उसको डोमिनेंट करैक्टर कहते हैं। और बेसिकली इसको हम कैपिटल से शो करते हैं, जैसे हमने मेंडल में पढ़ा था टॉल प्लांट का, उसका कैपिटल टी जो डोमिनेंट है, तो स्मॉल टी रिसेसिव है, इससे ड्वार्फ होगा। टाइप ऑफ डोमिनेंस इन पी प्लांट, द डोमिनेंस इज कंप्लीट फर्टाइलनेस फुली एंड ड्वार्फनेस फुली। तो डोमिनेंस एक फर्स्ट है, कंप्लीट डोमिनेंस। तो वो जो मेंडल ने जेनेटिक्स में बताया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस टॉल और ड्वार्फ लेके 3:1 बनी थी, डेट वाज डोमिनेंस। बट दिस लॉ ऑफ मेंडल का जो लॉ है, डेट इज दिस लॉ इज अंडर द क्रिटिसिज्म। तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे और के एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट अलग आए थे। जैसे टाइप ऑफ डोमिनेंस में एक आता है फोरोकोक प्लांट जो है मिराबिलिस जलापा जिसको कहते हैं, इसमें जो प्योर रेड एंड प्योर वाइट में क्रॉस करने के बाद हमें पिंक फ्लावर मिले थे। तो पिंक कलर का फ्लावर कोई भी इसमें पहले पियर नहीं था और बाद में जो आया, तो इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ब्लेंडेड इनहेरिटेंस का भी नाम देते हैं। तो ट्रेट एक्सप्रेशन होता है टू पियर पेरेंट एज एन इंटरमीडिएट कंडीशन और फाइन मिक्सचर ऑफ F1 हाइब्रिड नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, ब्लेंडेड, इंटरमीडिएट और मोज़ाइक इनहेरिटेंस के अल्टरनेटिव नाम है। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट और एंटीथीरियम मेजस जो है स्नैपड्रैगन एंड लिशियन फाउल, जो एक एग्जांपल है वर्ड की जे एनिमल में आती है। सो यहाँ पे शो किया हुआ है इन्होंने जो 4 o'clock प्लांट प्योर रेड प्योर वाइट कंबाइन करके F1 हाइब्रिड बने थे सारे पिंक, उसके बाद इसकी कम्बिनेशन करवाया तो प्योर रेड पिंक हाइब्रिड पिंक प्योर वाइट इसकी रेशो आई 1:2:1। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया, द जीन फॉर द रेड एंड द वाइट कलर डू नॉट एक्चुअली मिक्स इन F1 में वो मिक्स नहीं किए इन पिंक हाइब्रिड एज अ बोथ द प्योर करेक्टर रीपेयर इन F2, उसमें हो गए F2 में पता लग गया। अब इसके बाद है, इसमें कोई पिंक के लिए स्पेसिफिक कोई जीन नहीं था। क्वान्टिटेटिव इफेक्ट ऑफ द जीन होमोजाइगस प्लांट बिटवीन WU आर अनेबल टू प्रोड्यूस द फ्लावर पिगमेंट इन हाइट्रोजाइगस प्लांट एंड कैन प्रोड्यूस ओनली द हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ फ्लावर पिगमेंट डेट इज प्रोड्यूस होमोजाइगस प्लांट। तो इसका कहने का मतलब है कि जो होमोजाइगस में जो पूरा अपना इफेक्ट शो कर रहे थे, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन बन गई तो उसमें पिंक बन गया, यानी जब जो आर एंड W दोनों जीन इकट्ठे आ गए तो उसको क्वांटिटेटिवली उन्होंने एक प्रोटीन मिलके बना दिया जो पिंक कलर देता था, इसको उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा है। उसके बाद इंडलिशियन फाउल का नाम आता है, इसका जो इनकी कलगी होती है स्प्लैंजकॉक जो मेल है, प्योर ब्लैक हैन फीमेल, तो इसके स्पर्म और इसके एग F1 में सारे ब्लू बने, बाद में इसके बने प्योर वाइट हाइब्रिड ब्लू प्योर ब्लैक, इसकी रेशो भी 1:2:1 आई। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी सेम ही है कि इसका कोई जीन नहीं है इसके ब्लू के लिए, बट जो इसके अपीयर हुए हैं स्प्लैश्ड ब्लैक एंड रेड कलर के, उसके क्वांटिटेटिव फैक्ट से ये कलर आया है। ब्लैक कलर इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन देयर आर द टू जीन विच प्रोड्यूस द ब्लैक पिगमेंट मेलानिन, ए सिंगल मेलानिन प्रोड्यूसिंग जीन इन हेट्रोजाइगस गिव ब्लू कलर, यानी जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग जो पिगमेंट है कैपिटल ब्लैक जो मेलानिन देगा, बट ये जब इकट्ठे आ जाएंगे तो ब्लू कलर देगा, दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव इफेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी एग्जांपल इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। नेक्स्ट जो डोमिनेंस का टाइप है डैट इज़ द कोडोमिनेंस, व्हेन द टू एलील
from a Mendelian factor present on same gene. Present on a same gene, locus of homologous chromosome neither show dominant or recessive or show intermediate condition, but both of them express themselves spontaneous, then this condition is called codominance. Yani jo ek dusre ke effect ko kam ya zyada nahi karenge, but dono ikattha apna effect show karenge, isko codominance kehte hain. Characteristic codominance jo hai ek heterozygous condition hoti hai that forms shown by the either homozygous. The codominant allele are shown by same capital letter A and B ऐसे show कर देते हैं. इसकी example जो आती है, जैसे blood group है, इसमें Landsteiner ने तीन blood group दिए थे A, B and O. A, B जो D, Castells and Sterin ने दिया था. These are controlled by gene I, refers to glycoprotein antigen present on plasma membrane of RBC. जो जो प्रोटीन्स बनाते हैं, जो जीन बेसिकली आरबीसी के एंटीजन होते हैं, उसके हिसाब से इसके ग्रुप जो है मैच होते हैं. तो ये फ्लो चार्ट मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा ब्लड ग्रुपिंग में. तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, पेरेंट है, पेरेंट टू है, सेवन इसके कॉम्बिनेशन बताए हैं. उसके बाद इसके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, कैपिटल ए ए वी ए, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 बने हैं. 7 में से इसके जो ब्लड ग्रुप आएंगे वो 6 आएंगे, ए ए बी ए ए बी 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 ओ. तो बेसिकली 4 ब्लड ग्रुप यहाँ बनेंगे. तो यहाँ लिखा है 4 फिनोटाइप, 4 फिनोटाइप यानी 4 ब्लड ग्रुप बनेंगे ए बी ए बी ओ, और उससे जो डिफरेंट इसके लील्स हैं आई ए आई वी आई अमीनोजन जीन, बेसिकली हमें पता है 2N डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं. तो उसके जब गैमेट बनेंगे तो इसके कॉम्बिनेशन हमारे पास बन रहे हैं, कैपिटल ए ए वी ए बी ए वी. तो इसके कितने बने, 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन बने. सो अलील आई ए आई वी आर कम्प्लीटली डोमिनेंट. ये कम्प्लीटली डोमिनेंट करते हैं ओवर स्मॉल आई, डैट मीन व्हेन ए एंड आई आर प्रेजेंट ऑन एन इंडिविजुअल ओनली ए एक्सप्रेस, व्हेन वन आई वी ओनली वी एक्सप्रेस. It does not produce any sugar, but when the individual possesses IV, जब दोनों आ जाएंगे, both express their own antigen, तो दोनों ही शो करते हैं, यानी co-dominant. इसके जो शेक जीनोटाइप हैं 1 2 3 4 5 6, इसके 4 ब्लड ग्रुप आएंगे, A ग्रुप, B ग्रुप, ए वी एंड ओ. तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो ए वी है, ये मल्टीपल अलील भी शो करते हैं, ये अनदर फॉर्मूला है, फिनोमिना है. सेकेंड एग्जाम्पल जो कोडोमिनेंस किया, सिकल सेल हीमोग्लोबिन जो है अनीमिया, इसका जो सिकल सेल हीमोग्लोबिन एच वी एस जीन नॉर्मल एच वी ए, ये कोडोमिनेट करते हैं अगर ये कैरियर में दोनों ही इकट्ठे रहेंगे, बट अपीयर होंगे जिसमें ये हेटरोडाइगस कंडीशन में आएंगे. सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा इस टॉपिक को समझने के लिए. अगर मेरे किसी दोस्त को इसके पीडीएफ के नोट्स आए तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे. तो काफ़ी दोस्त डिमांड कर रहे थे सर हमें फ़ोटोकॉपी करवा के दे दे दिए. तो फ़ोटोकॉपी करवाना इतना पॉसिबल नहीं है, मटेरियल ज़्यादा है, अगर करवाऊँगा तो उसमें काफ़ी चार्जेस बढ़ जाएंगे. तो इसलिए अगर आप विलिंग हो नोट्स लेने के लिए, तो इतना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप पीडीएफ से ही पढ़ लीजिए और बाद में जो आपको मटेरियल चाहिए उसके आप नोट्स ले सकते हो. सो थैंक यू वेरी मच. अभी मैं बाद में सेकेंड आज शुरू करूँगा एमसीक्यू का जो सेक्शन है. कल मैंने 50 एमसीक्यू किए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था. और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेटेड वे से वीडियो बना सकूँ. और मुझे उम्मीद आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जी मेरे वीडियो आपका एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए. साथ में कल ETT का भी नोटिफिकेशन आ गया, उसका भी 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, तो हम वो भी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शो कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ ताकि वो एडवांटेज ले सकें. तो ये वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि फ्रेंड्स को हेल्प हो सके.
थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।